मिल गया। मैं तो कहता हूँ वो जो है कैसे मिला है उनको, अब मुझसे मत कहलवा, वो भीख में मिला है उनको। क्या पद्मश्री? पद्मश्री भीख में मिला है। अरे उन्होंने उनका मुझे देश के प्रति ये बताइए ना कि इनका योगदान क्या है। अरे कुछ आंकलन तो करते होंगे ना किस तो बढ़िया है ना? नहीं अरे एक्टर बढ़िया, और भी तो एक्टर हैं, क्या बढ़िया काम किया है मुझे ये कारनामे बताओ कि देश के प्रति उन्होंने समर्पण भाव से ये किया है, क्या संदेश दिया है उन्होंने? राष्ट्र की बेटी, युवा देख रहा है युवा। अरे जो जो योगदान दिया है फिल्मों में, सारे युवा जिन्होंने फिल्में देखी हैं तो वो प्रेरित हो रहे होंगे और वो अब समझ रहे होंगे कि कहाँ किसकी हम फिल्म देखते थे, वो अब समझ जाएंगे। अरे वो थे स्वतंत्रता सेनानी, वो शहीद हुए हैं, कितने कितने उन सबका अपमान किया है इन्होंने ये कह करके कि देश की आज़ादी भीख में मिली है, ये कह करके उस पूरे विवाद पे बीजेपी शांत है। शांत बहुत अब चाहती है भाई, वो कहाँ चाहती है? अरे वो आज़ादी दिलाने वालों में से कोई इनका आज़ादी में एक आध शहीद हुआ है देश को आज़ाद कराने में? आरएसएस का मुझे बता दो कि फलाने आदमी ने शहीद अपनी शहादत दी है। ये तो चाटुकार थे, उनके तलवे चाटते थे, गुलामी करते थे ये अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और वही शासन ये लाना चाहते हैं। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों के टाइम में, अब ये अडानी और अम्बानी को लाना चाहते हैं, देश को गुलामी की तरफ ले जाने की इनका पूरा प्रयास है। पद्मश्री वापस होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इन पर लगना चाहिए, देश के उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने। का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा, जब से उन्होंने कहा है कि 2014 में असली आज़ादी मिली है, 1947 में जो थी वो भीख थी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए कंगना को जानकारी नहीं है, उनको नित्य कलाम है, वो नाचने गाने वाले हैं, जो कलाकार होता है। देखिए आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं, आपको पता है क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। कंगना को भी पता है कैसे डांस करना है, कैसे उछल कूद करनी है, वो माहिर वहाँ की हैं। उन्होंने कहाँ बच्चों को इतिहास, इतना समय कहाँ मिल गया, कंगना की कितनी उम्र है, उन्होंने इतिहास पढ़ा है? इतिहास नहीं पढ़ा, क्या किया है, क्या किया है? अरे भाई आरएसएस वाले लोग जब देश गुलाम था हमारा, तो ये गुलामी किसकी कर रहे थे? अंग्रेज़ों की। ये उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग उसी विचारधारा के जुड़े हुए लोग हैं जो आज राज कर रहे हैं। आज हमारे जो बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उसकी धज्जियाँ बिखेर रहे हैं ये लोग। उनको जो उस पर संविधान पर देश चल रहा है ना, संविधान इनके लिए नहीं है, ये अपने संविधान को लागू करना चाहते हैं आज देश में। ये आरएसएस का संविधान लाना चाहते हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को दुनिया नतमस्तक करती है ना, उस संविधान को बिल्कुल पूरी तरह से हटाने की पूरी साजिश चल रही है, संविधान खत्म करने की बिल्कुल साजिश चल रही है भाई साहब। 101% इनके जब कारनामे हैं वो हैं संविधान के अनुरूप, वो कहाँ रहा है? अरे भाई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया मोदी कहाँ पर? अरे भाई वो बुलेट ट्रेन का भी तो किया था, कितनी दौड़ रही है बुलेट ट्रेन आप बताइए? बुलेट ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? नहीं, दौड़ रही है बुलेट ट्रेन है। वादा तो कितना किया था इन्होंने, कितने कितने शिलान्यास कर दिए, कितने कितने जुमले छोड़ दिए इन्होंने, बेरोजगार लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रतिवर्ष, और 15-15 लाख रुपए इन्होंने देने का वादा किया था, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कितने वादे किए थे, कहाँ स्मार्ट सिटी हैं, कहाँ रोजगार हैं? कंगना आपने बयान अरे डटी हुई है, वो कह रही है मैं पीछे नहीं हटूं। भाई देखिए उन्हें मिल गया, मैं तो कहता हूँ वो जो है कैसे मिला है उनको, अब मुझसे मत कहलवा, वो भीख में मिला है उनको। क्या पद्मश्री? पद्मश्री भीख में मिला है। अरे उन्होंने उनका मुझे देश के प्रति ये बताइए ना कि इनका योगदान क्या है। अरे कुछ आंकलन तो करते होंगे ना किस तो बढ़िया है ना? नहीं अरे एक्टर बढ़िया, और भी तो एक्टर हैं, क्या बढ़िया काम किया है मुझे ये कारनामे बताओ कि देश के प्रति उन्होंने समर्पण भाव से ये किया है, क्या संदेश दिया है उन्होंने? राष्ट्र की बेटी, युवा देख रहा है युवा। अरे जो जो योगदान दिया है फिल्मों में, सारे युवा जिन्होंने फिल्में देखी हैं तो वो प्रेरित हो रहे होंगे और वो अब समझ रहे होंगे कि कहाँ किसकी हम फिल्म देखते थे, वो अब समझ जाएंगे, सारा सामने सच आया जा रहा है। कह रहे हैं कि पद्मश्री वापस होना चाहिए, पद्मश्री वापस होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा इन पर लगना चाहिए, देश के उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने, जो 1857 से लेके देश की लड़ाई लड़ते लड़ते 1947 में आकर देश को आज़ाद करवाया। उस वो थे स्वतंत्रता सेनानी, वो शहीद हुए हैं, कितने कितने उन सबका अपमान किया इन्होंने ये कह करके कि देश की आज़ादी भीख में मिली है, ये कह करके उस पूरे विवाद पे बीजेपी शांत है। शांत बहुत अब चाहती है भाई, वो कहाँ चाहती है? अरे वो आज़ादी
दिलाने वालों में से कोई इनका आज़ादी में एक आध शहीद हुआ है देश को आज़ाद कराने में? आरएसएस का मुझे बता दो कि फलाने आदमी ने शहीद अपनी शहादत दी है। ये तो चाटुकार थे, उनके तलवे चाटते थे, गुलामी करते थे ये अंग्रेज़ों की, और अंग्रेजों के गुलाम हैं और वही शासन ये लाना चाहते हैं। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों के टाइम में, अब ये अडानी और अम्बानी को लाना चाहते हैं, देश को गुलामी की तरफ ले जाने की इनका पूरा प्रयास है। तो जीडीपी हमारी कहाँ होती, किस स्थिति में होती? उस किसान को आज बर्बाद करने का काम, पूरी तरह से गुलाम बनाने का काम अडानी अम्बानी के साथ गुलामी करेंगे लोग। ये इनकी नीति सही नहीं है, किसान पूरा समझ चुका है, देश पूरा देख रहा है। तो ने चुन नहीं है ना भाई साहब, अब देख लेना, चुन लिया जो झांसे में आ गए ना, दो बार झांसा, कितने बार झूठ बोलोगे, कितने बार? अब तो ये कितने भी अटैक करवा लो, ये कोशिश रहेगी इनकी तो हिंदू, अरे ये हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करेंगे ये लोग। अब तो इनको कीड़े दौड़ने लगे हैं मुजफ्फरनगर की पंचायत से, जहाँ जहाँ एक नारा लगा था आपने सुना होगा, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे से इनको आग लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है कि कैसे डाइवर्ट करें। लेकिन मन बना चुका है देश का किसान, नौजवान देश का किसान, नौजवान मजदूर सब ये मन बना चुका है कि इससे हम छुटकारा कैसे पाएं, कब वो समय नज़दीक आए और कब ये गद्दी से नीचे से हटके यहाँ से देश छोड़ के अपने ये जाएं, अपने अपने धंधों पर चले जाएं लोग। जनता ने मन बना लिया, बिल्कुल पूरा मन बना चुकी है। अभी उपचुनाव में नहीं देखा आपने तो बीजेपी किस भरोसे उप, उप, अरे 300 प्लस तो उन्होंने वहाँ भी 200 प्लस वादा किया था पश्चिम बंगाल में, क्या हुआ? वादा करने दो, ये तो अरे घोषणेबाज है, ये तो ढोकले अपना घोषणा करते रहेंगे ये तो, और ऐसे मारते रहेंगे, जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज हैं भैया, जुमलेबाज हैं ये जुमला छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो इन्हें, 500 पार भी कह देंगे तो भी सच मान लेंगे अगर इनकी। तो बीजेपी 2022 में यूपी में जीत गई, हाँ तो आप ईवीएम पे तो ठीक नहीं, भूल जाओ अगर जीत गई, भूल जाओ, जीतेगी तो ऐसे ही जीतेगी जैसे हमारे टिकैत साहब कह रहे थे कि गाजियाबाद में दो जीते थे और अध्यक्ष इनका बना, 26 में से दो सीट आई थी और अध्यक्ष कौन बना था? तो सत्ता का चुनाव। अरे भाई ये भी, अरे क्या करेंगे, ये बुलडोजर चढ़वाए थे, चलवाएंगे लोगों के घरों पर, ये अभी नहीं करवाया था, किडनैपिंग कराएंगे, पर्चे फटवाएंगे, ठीक है, ये पूरी तरह से पूरी गुंडागर्दी पर उतारू होकर के करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल संभावना पूरी है, क्योंकि जो कारनामे करते आ रहे हैं, इनके जो कारनामे हैं कोई नया नहीं है, छिपा नहीं है। इस बार जिला पंचायत चुनाव में जनता ने सब देख लिया है, ये साम दाम दंड वे सारे अपनाएंगे। लेकिन जितना ये अपनाएंगे, अब किसान एक तरफा मन बनाता जा रहा है, पूरी तरह से इनकी जमानत जब्त करेगा। आपको लगा किसान आंदोलन कमजोर होता जा रहा है? कहाँ कमजोर हो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है कमजोर, आप बताइए। 22 तारीख को, अरे 22 तारीख को देखना, 26 तारीख को देखना, 22 तारीख को देखना, और संसद पर जो हमारा पहला दिन होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा, 29 तारीख को यहीं से हमारा काफिला 500 आदमी का जो विद आई कार्ड जो भेजेंगे, और संसद जाएंगे, जहां हमारे कानून बने हैं वहीं जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे। किसान संसद नहीं लगाई, कोई बात नहीं, हमारे आंदोलन के हिस्से, हम करते रहेंगे इसको।